अगर आप वृंदावन गए हो एक बार भी जिंदगी में तो प्रेम से हाथ उठा लीजिए। जो जो किशोरी के प्रेमी हैं, प्यारे हैं, सीधे आइए। टेढ़े मेढ़े हाथ में किशोरी को पसंद नहीं है। हरी बोल। हाँ जी, अच्छा लंबा हो गया। अच्छा, और ऐसे जो लोग खड़े हुए हैं सीधे रखो, सीधे ठाकुर जी के सामने ऐसे मत खड़े हो जाना, ये अक्कड़ की निशानी है। और भगवान बड़ी बड़े की अक्कड़ निकाल देते हैं, वो चाहे रावण हो या चाहे हिरण्यकश्यप हो। सीधे हाथ उठाओ, ये शरणागति की निशानी है। ठीक है, स्टेप वन तो आ गया, सीधे रखना है। चतुराई मत करो, रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलेगी। रघुराई मतलब श्री राम, यदुराई के साथ यदुराई मतलब कृष्ण। सीधे हाथ रख लो, चलो नीचे रख लो। अब स्टेप टू बता रहा हूं। स्टेप टू ये है कि पेड़ की तरह खड़े मत रहना और अपनी आंखों को मत सेकना। कई सारे भक्त अपनी आंखें सेक रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम, जय हो, प्रणाम। कम से कम दाएं और बाएं हाथ उठा लीजिए सभी मेरे साथ। 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे प्रेम से। आपका राइट पैर लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट पैर आपका राइट की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। दिस इज द बेसिक स्टेप। हाथ उठाइए, राइट फीट गोज टू द लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट पैर राइट की तरफ, हाथ सीधे, थोड़ा भंगड़ा स्टाइल है। आहां, आहां, आहां। ठीक है, हाथ उठा लो प्रेम से हो जाए। और ये हाथ उठा के इनके साथ बड़ी अच्छी ताली भी बज सकती है। इन्हीं हाथ से आप व्हाट्सएप के मैसेज भेजते रहते हो, दिन भर पता नहीं क्या क्या करते हो। सीधे हाथ उठा के ये से।
चुप रहेंगे, सिर्फ माताएं बोलेंगी। अभी देख रहे हैं, ठीक ही है, चलो ठीक है। माताएं प्लीज हाथ उठाओ, सिर्फ माताएं, नो जेंट्स नो प्रभुस। और मेरे पास बोलो, राधे 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 राधे। एक बात याद आ रही है, चलो भागी जी, एक और चांस दे रहा हूं, पीछे की बात है। आई कैन सी यू। जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी, बहुत ही बड़ी, बहुत विशाल है, वेरी बिग ह्यूज, और उनकी आंखों के ऊपर पलके भी नहीं है। ही डज नॉट हैव आईब्रोज। पलके इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहते। वो 24 घंटे हमारे प्रेमी विजय चोपड़ा जी को देखना चाहते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाना चाहते हैं। अब जगन्नाथ जी आपको देख रहे हैं, सभी ने हाथ उठाना है एक साथ, सभी हाथ उठाओगे, सभी हाथ उठाओगे। 2 मिनट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करूंगा मैं। ये सारे मंत्रों का सार है, सभी मंत्र इसमें मिले हुए हैं। एक बार हरे कृष्ण मंत्र जिसने गा दिया, उसी में गायत्री मंत्र है, उसी में मृत्युंजय मंत्र है, सारे मंत्र जितने भी हैं इस मंत्र के अंदर समाये हुए हैं। इसलिए इस मंत्र को कहा जाता है महामंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसमें सारे मंत्र हैं समाये हुए। विल यू सिंग विद मी? लुधियाना यो, पीपल आर सिंग यो यो। अच्छा, हम यो यो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं हरी यो यो, बोलते कुछ ना मिलना। लेकिन एक बार हरी 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 तो कितना कुछ मिल जाएगा। देने वाला जब भी देता है, जब ले लेता है ना, तब लेता थप्पड़ मार के। तो इसलिए लेता, अगर आप भक्ति ना करो और उनसे दूर हो जाओ, तो जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए क्या करता है, जगन्नाथ जी देखते हैं, अरे इतनी अच्छी सेवा करता था, दूर हो रहा है मुझसे, तो कभी ना कभी। बोलो हरे कृष्ण, 2 मिनट्स हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण